खाशरोद नागदा विधानसभा में टिकट कटने से नाराज दिलीप शेखावत और उनके समर्थकों से मिलने कैलाश विजयवर्गीय नागदा पहुंचे। दिलीप शेखावत के घर पर विजयवर्गीय ने उनके समर्थकों से चर्चा कर उनकी नाराजगी दूर करी। वहीं से कैलाश विजयवर्गीय रंगोली गार्डन पहुंचे, जहां भाजपा संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिलीप शेखावत मजबूत नेता है जो संगठन को अपनी जी जान लगाकर आगे बढ़ाया है। दिलीप शेखावत ने पार्टी का और मेरा मान रखा है, हमारी बात मानकर समर्थकों के साथ डॉक्टर तेज बहादुर सिंह और भाजपा को जीत हासिल कराने के लिए सहयोग देंगे। तेज बहादुर जी को टिकट दिया है, शेखावत जी और पूरे सब लोग को जिताने के लिए काम करेंगे और हम सब निश्चित रूप से दो तिहाई बहुमत से मध्य प्रदेश की सरकार मान गया। मतलब उन्होंने सार्वजनिक मंच से बोला, उसके बाद मुझसे अच्छा वादा पूरे अभी प्रदेश में सब कुछ चल रहा है, जैसे देपालपुर में देखने में आया तो कि वहाँ भी टिकट वाले बहुत चल रहा है, तो ऐसा इस बार क्या रहा है? भाई बड़ी पार्टी होगी, थोड़ा बहुत चलता है, बाकी सरकार हम बनाएंगे और कार्यकर्ता हमारा बहुत अनुशासित है, बहुत ईमानदार है और पार्टी के प्रति कटिबद्ध है और इसलिए कार्यकर्ता की नाराजगी स्वाभाविक होती है। वो सुनने का, उसको बोलने का अधिकार है और हमको सुनने का अधिकार है, हम सुनते हैं और उसके बाद कार्यकर्ता अपनी इच्छा से काम करता है। ये इस पार्टी की विशेषता है क्योंकि केंद्र में इस पार्टी हमें आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, अपनी पार्टी के लिए जीता और मरता है।